नमस्कार, मैं हूं पूनम। आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कि अब दिन दहाड़े ही बेखौफ होकर दर्जनों स्थानों पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है। खनन में अधिकांश डंपरों पर नंबर ही नहीं है। दिन दहाड़े अवैध खनन में लगे डंपरों के कारण गलियों में जाम व मार्ग टूट चुके हैं, मगर पुलिस प्रशासन बेखबर है। अवैध खनन में लगे डंपरों के कारण सीकरी, खुर्द, मुरादनगर, निवाड़ी सहित कई स्थानों जगह में लोगों की जान भी जा चुकी है। अवैध खनन में लगभग 25 जेसीबी व 40 डंपर और 20 ट्रैक्टर इस कार्य में लगे हैं और यहां का शासन प्रशासन गहरी नींद में सोए हुए हैं। मोदी नगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। मोदी नगर नगर में दर्जनों स्थान पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कि अब दिन दहाड़े बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं। खनन में लगे अधिकांश डंपरों पर नंबर ही नहीं है। कुछ डंपरों पर नंबर लिखे हैं तो वह अस्पष्ट है। काफी तादाद में अवैध कॉलोनियों में बड़े स्तर पर मिट्टी भराव किया जा रहा है। दिन दहाड़े अवैध खनन में लगे डंपरों के कारण मुख्य मार्ग और गलियों में जाम की समस्या होने लगी है। ओवरलोड भारी भरकम डंपरों के कारण नगर के ज्यादातर मार्ग टूट चुके हैं। माफिया पहले रात के अंधेरे में अवैध खनन करते थे, अब दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है। सड़कों पर दौड़ रहे अवैध खनन में लगे डंपरों की वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मगर पुलिस प्रशासन बेखबर है। इसे लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। खनन अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। बता दें कि अवैध खनन में लगे डंपरों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसों में सीकरी, खुर्द, मुरादनगर, निवाड़ी सहित कई स्थानों जगह लोगों की जान भी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य आदित्य न्यूज। आज के लिए बस खबरों में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।